राजस्थान में कोरोना के साथ साथ प्रचंड गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। तपती गर्मी में ना पंखा काम कर रहा है और ना ही कूलर। ऐसी परिस्थिति में भी कोटा के अस्पतालों में मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ मरीज बीमारी के साथ साथ गर्मी का इलाज भी मांग रहे हैं। जहाँ पंखे और कूलर के साथ लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, तो वहीं कोटा के सबसे बड़े MBS अस्पताल में मरीज बिना पंखे के रह रहे हैं। कहने को तो कोटा का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ सुविधाएं छोटी डिस्पेंसरी के बराबर भी नहीं है। खुद तो डॉक्टर साहब EC की हवा ले रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आखिर मरीज करें तो क्या करें? एक तो बीमारी ने पहले ही शरीर की पूरी ताकत सोख ली है और अब तपती गर्मी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। क्यों? ये हवा नहीं दे रही पंखे। कब से भर्ती हो? वो 15 रोज हो गया। तो हवा क्यों नहीं है? पंखे तो लग रहे हैं सब जगह। लग रहे हैं, पर क्या करें, इनमें हवा बफा रही एकदम से। जान से क्यों स्थिति कह रही है? क्या लावा में मालूम थोड़ी थी सर। अस्पताल में मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। कई वार्डों में AC खराब है तो कई वार्डों में पंखे नहीं चल रहे। कूलर भी सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हैं। अब तो नौबत ये आ गई है कि तीरंदाज अपने परिजनों के लिए घर से ही पंखा ला रहे हैं, तब जाकर कहीं हल्की फुल्की राहत मिल रही है। ये स्थिति आज की नहीं, हर साल गर्मियों में अस्पताल में यही हाल रहता है। मरीज इसी तरह से परेशान होते हैं, लेकिन जब अस्पताल प्रशासन से इस लापरवाही का कारण पूछा जाता है तो जवाब हर बार एक ही होता है, जो सिस्टम खराब है उन्हें ठीक करवा रहे हैं। ये हमारे जो पंखे हैं खराब हैं, वो उनके 80 पंखों की रखरखाव एवं पूरी ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। AC हमारे शुरू हो गए हैं, प्रभुलाल जी हैं इसमें AC के इंचार्ज। जो हमारे महत्वपूर्ण वार्ड हैं ICU, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, NICU, इनमें सारे के सारे ICU मतलब AC सारे दुरुस्त करवा दिए हैं। और अगर इनमें कोई भी खामी आती है तो हम सीधे, हमने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, तो AC ठीक हो जाते हैं। कूलर्स हमने सारे साफ़ करवा के और ठीक करवा दिए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, डस्ट सिस्टम आपको मालूम है कि आउटडोर में हमें डस्ट सिस्टम चालू कर दिया है। इसमें दवा काउंटर, आपके कैश काउंटर और ख़ास तौर से जो स्टोर है हमारा, स्टोर में पूरी जगह डक्ट सिस्टम चालू हो गया है, वहाँ पे कूलिंग हो रही है। ख़राब हैं, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनके ऑर्डर्स भी निकल गए हैं और ठीक हो रहे हैं। एक दो रोज में ठीक होके आ जाएंगे और बुरे लग जाएंगे। अस्पताल प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें उस गूंगे बहरे सिस्टम को जगाने के लिए काफी है, जो मरीजों को तपती गर्मी में मरता छोड़कर कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। बहरहाल, ना पंखे चल रहे हैं, ना AC चल रहा है। अगर कुछ चल रहा है तो वो है अस्पताल प्रशासन का झूठ, और इस झूठ की हर साल गर्मियों में पोल खुल जाती है, लेकिन हालात फिर से दुरुस्त नहीं होते। पंजाब के सी TV के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।